यस वी कैन टेक द मीटिंग इन हिंदी। राजकुमार भाई गुजराती में बोलवानी परमिशन छे तो तमारी साथे गुजराती में पण वात थई शकशे। यस द पोल स्टार्ट्स नाउ। हिंदी गुजराती में जणावो के तमे प्लास्टिक कल्चर ना कया प्रोडक्ट तमे वापरो छो। हाय एवरीवन, मल्च, क्रॉप कवर, शेड नेट, पॉली हाउस, पॉन लाइनर, एग्री वायर, इन्सेक्ट टेप एंड प्लास्टिक कल्चर कुठले कुठले प्रोडक्ट आपण वापरत आहात ते तुम्हाला दाखवलेले आहेत। मल्च, क्रॉप, शेड नेट, पॉली हाउस, पॉन लाइनर, एग्री वायर की इन्सेक्ट टेप। आप कौन सा सोशल मीडिया यूज करते हैं मेरे दोस्त इंडियन फार्मर्स लोग? मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना चाहती हूँ पोल के लिए। इन प्लास्टिक कल्चर प्रोडक्ट हम क्या अपने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एज ऑन डेट? मल्चिंग पेपर, क्रॉप कवर, शेड नेट, पॉली हाउस, पॉन्ड लाइनर, एग्री वायर के इंसेक्ट ट्रैप्स, उसमें से जो जो आप यूज करते रहेंगे काइंडली शेयर योर इंफॉर्मेशन प्लीज। हाय महेश चाचू, गुड इवनिंग टू ऑल। द सेकेंड क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम भारतीय फार्मर कौन सा सोशल मीडिया प्रिफर करते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के टिकटॉक? तीसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सा चैलेंजेस इंडियन फार्मर फेस करते हैं कि भाई लेस यील्ड पर एकर आ रहा है, कि क्वालिटी ऑफ द क्रॉप सही तरीके से नहीं आती है, कि आपको फेयर प्राइस नहीं मिलता है मार्केट में से, या आपको स्टोरेज फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही है। और एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उसके सवाल का जवाब कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं, हाँ ना, कि आप फ्यूचर में वो चालू करना चाहेंगे करके? अच्छा मुत्तू, यू डोंट नो हिंदी सो टेक वेबिनार इन इंग्लिश। ओके सब लोग पोलिंग पोलिंग में प्लीज पार्टिसिपेट करिए, आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
लगभग 50% अपने अटेंडीज ने पोलिंग में अभी तक पार्टिसिपेट किया है। हम थोड़ा और वेट कर रहे हैं और जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनका ज्वाइन करने का। इतने प्लीज़ आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ पोलिंग में पार्टिसिपेट करिए। हम लोग और 5 मिनट में, 2 to 5 मिनट्स में फीचर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। नियरली 60% ऑफ द अटेंडीज ने पोलिंग में पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही अच्छा सब लोग का फीडबैक है। आपका फीडबैक हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू परफॉर्म बेटर फॉर यू एंड टुगेदर वी कैन ग्रो फर्दर बेस्ड ऑन योर इनपुट टू अस। सो प्लीज रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट इन द पोल प्लीज। पोलिंग अच्छे खासे नियरली 75% ऑफ द अटेंडीज ने पोलिंग में पार्टिसिपेट किया है। सो आई थिंक सो निकिता जी, अभी एक बार पोलिंग अपन स्टॉप करके फीचर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके बिफोर आई स्टार्ट रिजल्ट रिजल्ट आ रहा है पोलिंग का। ओके शेयर रिजल्ट। सब लोग देख पा रहे हैं पोलिंग का रिजल्ट? यस, मेरे मोस्ट ब्रदर्स आर यूजिंग मल्च फिल्म, इट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर अस एंड वी रियली प्रे एंड वी रियली ट्राई टू परफॉर्म बेस्ट फॉर यू सर। चलिए, फर्स्ट, विच प्लास्टिक कल्चर प्रोडक्ट्स डू वी यूज मोर? कौन सा प्रोडक्ट हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं? उसमें मल्च का सबसे ज्यादा रेटिंग आया है 62%। 62% जन ने रेट किया है कि हम मल्च यूज करते हैं। ग्रेट। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेजरली जन एक्टिवेट है? उसमें यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों को इक्वल मार्क्स मिले हैं, 47-47%। क्या बात है, क्या बात है। मुकेश अंबानी खुश हो जाएंगे आज फेसबुक यूज हो रहा है करके। थर्ड अपना जो क्वेश्चन था कि इंडियन किसानों को सबसे मेजर चैलेंजेस प्रॉब्लम्स क्या फेस होता है, उसके अंदर दो चीज को सबसे मेजर वेटेज मिला है, महत्व मिला है। एक है उनका लेस यील्ड, जो उनका कम प्रोडक्शन आता है क्रॉप्स का, और सेकेंड उनको मिला है कि उनको मार्केट में फेयर प्राइस नहीं मिल पाता उनके प्रोडक्ट का। सो ये वाले टॉपिक्स के ऊपर अपन अभी प्रेजेंटेशन में थोड़ा हाईलाइट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। दोनों को 40-40% रेटिंग मिला है, लेस यील्ड को एंड नॉट गेटिंग फेयर प्राइस को। ये सब पॉइंट्स के वजह से ही हम लोग जो आपका फीडबैक मिल रहा है, और ये लेस यील्ड पर एकड़ जो कम आपका प्रोडक्शन हो रहा है और लो क्वालिटी हो रहा है, ये रीजन के वजह से हमारा जो आज का सेमिनार का वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट है कि ये वाले चीज का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए यूजिंग प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स, यूजिंग प्लास्टिक कल्चर टेक्निक। तो वही हम आज के प्रेजेंटेशन में डिस्कशन करेंगे। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन था कि कितने अपने किसान भाई और कितने लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि मेजोरिटी ऑफ द जन, अपने 43% जन ने वोटिंग किया है कि हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो जो आज अपन प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं, तो वो सब प्रोडक्ट्स अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण के हैं वो सारे प्रोडक्ट्स। सो निकिता जी, मुझे लगता है अपने फीचर प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। अपने इनफ नंबर ऑफ अपने अटेंडेंस ज्वाइन हो चुके हैं, तो इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट फीचर प्रेजेंटेशन। थैंक यू ब्रदर।
बिफोर दैट आई वॉन्टेड टू सभी मान्यवर जो अल्फा प्लास्टर अल्फा परिवार को से आप सभी को मेरा खूब खूब अभिनंदन और आभार कि आज आप वेबिनार में आए हैं. अ वार्म वेलकम टू एवरी वन टू वन एंड ऑल हु हैज कम टुडे यू ऑल कम टुडे एंड एनकरेज अस फॉर दिस वेबिनार. और कमल अग्रवाल जी हु इज अ पायोनियर एंड हु वाज अ विजनरी ऑफ अल्फा प्लास्टोमर हैज सॉ द ड्रीम टू बी द बेस्ट इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड टू सपोर्ट हिज ड्रीम एंड द विजन सौरभ भाई अक्षर भाई यश भाई एंड द एंटायर परिवार वॉन्टेड टू विश टू अचीव दोज ड्रीम्स with your support and today we are sure we will take our journey ahead and we'll do something great in our future and fulfill his dream. And thanks once again for joining with us. I'm taking forward further and introducing our team. First, dynamic MD of Alpha Plastoma, Mr. Saurabh Agarwal. I wanted to clap for him. Mr. Akshay Agarwal ji, hi, thanks a lot for joining. Akshay bhai, a very very dynamic and very very soft spoken mitbhashi director of Alpha Plastomer. Yash Agarwal ji, vice president of Alpha Plastomer, very cool, very supporting, all the time 24/7 available for the Alpha parivar. Ritesh bhai will perform today as a chat moderator. Thanks a lot for joining with us and taking further for this webinar. Thanks a lot, brother. These are our team of Alpha, the core team, and rest we are there as a soldier. We'll continue with the same. So, coming back to introduction about the Alpha, I wanted to say that Alpha is into this line since last 35 and more than 35 years. We are pioneer in manufacturing plastic flexible packaging material. We also manufacture along with agrimulch, shrink film, embossed film. Are manufacturing PET bottles for the various applications, and we are serving to various sectors along with various who's who of the industry. Apart from that, I wanted to applaud Alpha Plastomer with huge round that we are the youngest plastic culture company of India. We are the large production capacity of 300 tons month growing every year. Thanks for your support. We have world class quality manufacturing and testing equipment. We are having dedicated R&D team, and we too in Gujarat, many farmers and the dealers bhai log are must be aware that we are authorized manufacturer of various plastic culture of the product in Gujarat government. We are having wide network of 10,000 plus farmer pan India, so this will really help us to reach the smallest network of the India and reach maximum farmer in India. State wise also we have field of agronomist for distributor and farmer assistant. This is truly very huge upload for Alpha Plastoma. Thanks a lot for the same, sir. And coming back to the, we wanted to take our journey further ahead with the grow it. We help you grow. Thanks a lot. Taking further with the Yash bhai. Hello everyone. Namaste, sab log. Nikita ji ne jaisa bataya, alpha ke bare mein, alpha kya karta hai, wo cheeze Nikita ji ne bahut achi tarike se bataya. Main ek cheez aur usme add karna chahunga. अदर देन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, लास्ट थोड़े साल से हम लोग हमारे बहुत सारे किसान भाई के साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और वो काम करते करते हमने रियलाइज किया कि वहाँ पे जो भी चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को क्या तरीके से बेस्ट वे में सॉल्व किया जा सकता है. तो वो चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक कल्चर प्रोडक्ट्स और जो प्रिसीजन टेक्निक फार्मिंग हम लोग ने अभी तक फार्मर्स लोग के साथ मिलके इंप्लीमेंट किया है. सो अल्फा प्लास्टोमर्स लास्ट थोड़े साल से ऑलरेडी ये चीजें कर रहा था, बट अभी एक पूरे अलग फेस में एक नई ब्रांडिंग के साथ अल्फा प्लास्टोमर्स एक ब्रांड लेकर आ रहा है जिसका नाम है ग्रो इट, वी हेल्प यू ग्रो, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ग्रो इट, हमारा साथ
आपका विकास। हम ये टैगलाइन से और ये हमारे लोगों से, हमारा जो ब्रांड है, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि हम हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग ने हमारा ये वाला डिवीजन, ये एक नया ब्रांड चालू किया है। तो ये वाले ब्रांड में हम क्या टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं, कैसे वर्क करेगा, वो वाले चीज के ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर टू स्टार्ट, मैं डायरेक्टर सौरभ जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो खाली ओपनिंग रिमार्क कुछ दे सके, कुछ 2 मिनट 2 शब्द कुछ बोल सके। सौरभ जी। हेलो एवरीवन, आप सबको खूब खूब नमस्कार। आप लोगों ने सबने हमारा साथ दिया इस वेबिनार में आने के लिए। आप लोग सब सुरक्षित हो घर पे, सब सेफ रहे कोरोना से, यही हम कामनाएं करते हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि इस वेबिनार में हम ग्रोइट ब्रांड के जरिए आप लोगों को, किसान भाइयों को क्या क्या मदद कर सकते हैं, किस तरीके से हम आप लोगों की सेवा कर सकते हैं या आप लोगों का बिजनेस बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये लॉकडाउन का समय जो हम चाहते हैं कि हम सब अच्छे से उपयोग कर सकें और आप लोगों को बता सके कि अल्फा आप लोगों का सहयोग कैसे देगा बिजनेस में, तो प्लीज आगे यश जी को सुनिएगा एंड इस वेबिनार में सहयोग दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सौरभ भाई। ग्रोइट में जैसा मैंने आपको बताया कि हम एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो विजन एंड मिशन है ग्रोइट को लेके, वो भी एक यही है जैसा यहाँ पे अपन ने राइटली मेंशन किया है कि क्या तरीके से हम हमारी एग्रीकल्चर कंप्लीट कम्युनिटी को एक अच्छी कम्युनिटी, एक हेल्दी और बेटर कम्युनिटी बना सकते हैं और एक कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन के देखे क्या तरीके से हम फार्मर्स की इनकम ज्यादा करने में, फार्मर्स की इनकम डबल करने में उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो मैं ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूंगा कुछ अपना बेसिक इंडिया की जो एग्रीकल्चर के जो डायनामिक्स है, जो हिस्ट्री है, जो फिगर्स है, उसके ऊपर से। जैसा आप सब देख पा रहे होंगे, अपना इंडिया में नियरली 58% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्मिंग दोनों मिला के लगभग 58% ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड 58% इज द टोटल पॉपुलेशन। और इंडिया का टोटल जितना लैंड एरिया है उसमें से 56% ऑफ द लैंड एरिया इज एग्रीकल्चरल लैंड, जो एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है। तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि इतना लैंड एरिया और इतना पॉपुलेशन यहाँ पे डिप्लॉय होने के बाद भी इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खाली 17% ही इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ये 17% इतना कम क्यों कंट्रीब्यूट हो पा रहा है, उसका रीजन सब लोग आपको भी पता है, जो आपने आगे पोलिंग में सजेस्ट किया, जो आपने फीडबैक दिया कि बिकॉज ऑफ लो यील्ड और उनको फेयर प्राइस नहीं मिल रहा और उनको बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो ये रीजन की वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल सेल प्राइस इतना नहीं मिल पा रहा है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम, इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में होने के बाद भी खाली 17% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, तो ये चीज में अपन मिलके क्या इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो चीज के ऊपर अपन और डिस्कशन करेंगे। एज इन इंडिया का अभी एग्रीकल्चर के सिनेरियो में गवर्नमेंट के सपोर्ट्स भी नेक्स्ट और 5 साल में बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो उसके अंदर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्कीम सपोर्ट ये वाले कम्युनिटी के अंदर कर रहे हैं। साथ में टेक्नोलॉजी बेस में, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बेस में, एग्रीकल्चर इनपुट्स बेस में भी बहुत सारी कंपनीज और अभी आ रही है जो ये चीज के कैसे इंक्रीज किया जा सकता है अपने यील्ड को, अपने प्रॉफिट मार्जिन को, सेल्स को, उसमें अपना मदद करेंगे। और ग्रो इट का हमारा सबसे मेन पर्पस यही है कि आपको ये वाली चीज में क्या तरीके से हेल्प और मदद किया जाए। सो सबसे मेजर चैलेंजेस जो आज के लिए इंडियन फार्मर्स को है, यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, एक मैंने यहाँ पे कंपैरिजन हमने बनाया हुआ है जो क्रॉप्स इंडिया में हो रहे हैं उसका एवरेज यील्ड कितना आ रहा है पर हेक्टर और वो वाला क्रॉप
जो कंट्री उसका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वहां पे उसका एवरेज यील्ड कितना है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला क्रॉप है आपका टोमेटो। टोमेटो का एवरेज यील्ड इंडिया का 25 मेट्रिक टन पर हेक्टर है। मेक्सिको जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टोमेटो है उसका अप्रोक्स एवरेज यील्ड पर हेक्टर 65 मेट्रिक टन है। उसी तरीके से कैप्सिकम का 35, ब्राजील 60, चिलीज 12, वर्ल्ड एवरेज भी 12, कुकुम्बर 45, चाइना 85, वाटरमेलन 25, चाइना 45, बनाना 35, वर्ल्ड एवरेज 35। तो इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ऑन एन एवरेज अगर अपन निकाले तो लगभग इंडियन यील्ड ऑफ कंप्लीट इंडिया का अगर अपन एनालिसिस देखें तो ऑल ओवर इंडिया का 20-25% यील्ड है वो कम है एज कंपेयर टू दुनिया की बेस्ट कंट्री जो टॉप मोस्ट उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे चिलीज एंड बनाना है उसके अंदर इंडिया का भी बहुत अच्छा एवरेज है, जिसका सबसे मेजर रीजन यही है कि इंडिया चिलीज एंड बनाना का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो उसके अंदर इंडिया का एवरेज अच्छा है। बट फिर भी चिलीज एंड बनाना के अंदर भी उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी और कैसे इंक्रीज किया जा सकता है जिससे बेटर प्राइस मिले, वो चीज का अपन आगे देखेंगे। अभी ये जो चैलेंज है जिससे यील्ड कम आ रहा है उसका वन ऑफ द सबसे बड़ा रीजन है पेस्ट अटैक। जो ICAR जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अकॉर्डिंग टू देयर एनालिसिस लगभग 30-35% ऑफ द क्रॉप है वो खाली पेस्ट अटैक की वजह से ही नुकसान हो जाता है। 30-35% क्रॉप का जो लगभग 2018 साल में लगभग 6 करोड़ टन क्रॉप खाली पेस्ट अटैक की वजह से लॉस हुआ है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सेकेंड और दूसरे चैलेंजेस जैसा अपन देखेंगे कि जो क्वालिटी जो अपने किसान भाई लोग निकाल पा रहे हैं वो एकदम ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वालिटी वो लोग नहीं निकाल पा रहे, बेस्ट क्वालिटी नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत कम अपने परसेंटेज ऑफ किसान भाई है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करके कर पा रहे हैं, बट अभी भी बहुत बड़ी मेजोरिटी चंक है जो ये नहीं कर पा रहे हैं। और ये वजह है कि उनको मार्केट में जितना प्राइस मिलना चाहिए उतना प्राइस उनको नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सो प्लास्टिक कल्चर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हम बून टू एग्रीकल्चर बोलेंगे। बून प्लास्टिक कल्चर जो है वो एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है जिसमें हम अलग अलग टाइप के प्लास्टिक को एग्रीकल्चर के अलग अलग क्रॉप्स में, एप्लीकेशंस में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में क्या तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे अपना आउटपुट मैक्सिमम हो, तो वो वाले साइंस को बोला जाता है प्लास्टिक कल्चर। तो प्लास्टिक कल्चर के अंदर एज ग्रो इट हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या क्या हम ऑफर करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहला प्रोडक्ट इन प्लास्टिक कल्चर फैमिली अपना आता है जो ग्रो इट बनाता है, ग्रो इट मल्च फिल्म। मल्च फिल्म सबसे मेन सिल्वर ब्लैक कलर का कंप्लीटली यूवी स्टेबिलाइज्ड पेस्टिसाइड एंड सल्फर रेजिस्टेंट LLDP का फिल्म होता है। ये जो फिल्म है इसके अंदर जो सिल्वर भाग है वो ऊपर लगाया जाता है एंड जो ब्लैक पोर्शन है वो नीचे की साइड लगाया जाता है। ये वाला फिल्म को यूज करने से आपका लगभग जो क्रॉप का यील्ड है, जो आउटपुट ऑफ द क्रॉप है, वो लगभग आपका 25-30% ऑन एन एवरेज उसका बढ़ोतरी होता है, वो हम आगे देखेंगे विद एग्जांपल्स। ये वाला फिल्म यूज करने से जो पानी की खपत है वो लगभग 40-50% जितनी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज ये वाटर के इवेपोरेशन को रोकता है। जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो वीड है, ये कम्प्लीटली उसको भी उगने से रोकता है, जिससे बहुत सारा मैन पावर एंड कॉस्ट किसान भाइयों का बचता है। ये रूट्स को भी एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, रूट्स तक ये पानी अच्छी तरीके से पहुंचाता है और रूट्स उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है ये इसका सिल्वर भाग ऊपर होने की वजह से जब सनलाइट ये वाले फिल्म के ऊपर लगती है तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, और वो रिफ्लेक्शन होने की वजह से जैसा आपने देखा जो पेस्ट अटैक है जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत हद तक पेस्ट अटैक से भी क्रॉप को बचाता है, बिकॉज जो सिल्वर भाग जो ऊपर होता है वो सनलाइट के अंदर शाइन करता है,
और वो शाइन करने से जो पेस्ट है वो ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। ये रीजन के वजह से बहुत सारे कैटेगरी ऑफ पेस्ट अपने क्रॉप के ऊपर आके नहीं बैठते, तो ये तरीके से वो पेस्ट से भी बहुत हद तक बचाता है। तो ओवरऑल ये 25-30% क्रॉप का यील्ड बढ़ाने में ये अपना मदद करता है। अभी हम क्विकली देखेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी ऑफ मल्च फिल्म होता है। सबसे पहला अपना जो सबसे मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ मल्च फिल्म, ग्रोइट मल्च फिल्म है, वो है सिल्वर ब्लैक मल्च फिल्म, जो अभी लगभग 80% ऑफ द किसान भाई जो मल्च यूज कर रहे हैं वो सिल्वर ब्लैक कलर का ही मल्च फिल्म यूज कर रहे हैं। दूसरा जो सिल्वर ब्लैक मल्च फिल्म है वो कोई भी सीजन में 12 महीने उसको यूज किया जा सकता है, ठंडी में, गर्मी में, सर्दी में, सब सीजन में। दूसरा कैटेगरी ऑफ ग्रोइट मल्च फिल्म है व्हाइट ब्लैक मल्च फिल्म। व्हाइट ब्लैक मल्च फिल्म के अंदर व्हाइट जो पोर्शन है, व्हाइट जो आर्ट है वो ऊपर के साइड आता है जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, ब्लैक कलर है वो नीचे आता है। व्हाइट ब्लैक फिल्म जैसे आपको सबको पता है व्हाइट कलर है वो रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा काम करता है, तो उसी तरीके से धूप के अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर जो व्हाइट ब्लैक फिल्म होता है वो धूप को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ये रीजन के वजह से फिल्म के नीचे का जो भाग है, जहाँ पे मेन रूट्स होता है, जहाँ से ग्रोथ होता है, वो वाले पार्ट ठंडा रहता है, जो अपने प्लांट के ग्रोथ में बहुत अच्छा मदद करता है। तो जहाँ पे हैवी टेम्परेचर्स है और जो एकदम हॉट सीजन है, अभी अप्रैल एंड मई, ये दो सबसे पीक सीजन है जहाँ पे व्हाइट फिल्म सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि ये वाले महीनों में हीट का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा होता है, तो व्हाइट फिल्म सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये वाले टाइम में होता है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रोइट ब्लैक एंड ब्लैक मल्च फिल्म, व्हाइट के अपोजिट ये वाला फिल्म यूज किया जाता है, ब्लैक एंड ब्लैक फिल्म। जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरीज कल्टीवेशन, जो कि मेनली हिली रीजन पे होता है, जहाँ पे अपन को धूप जरा भी नहीं होता, वहां पे सॉइल को धूप चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होता है। ये रीजन के वजह से ब्लैक एंड ब्लैक फिल्म यूज किया जाता है, जहाँ पे ऊपर भी ब्लैक होता है फिल्म में और नीचे भी ब्लैक होता है। ब्लैक कलर होने की वजह से ये वाला फिल्म ज्यादा से ज्यादा धूप को अट्रैक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो सॉइल का टेम्परेचर बढ़ाता है, जो कि अपने प्लांट को ग्रो होने में मदद करता है। बिकॉज हिली एरिया में ठंड की वजह से प्लांट ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो उनको ज्यादा गर्मी चाहिए होता है। ये रीजन के वजह से ब्लैक एंड ब्लैक फिल्म मोस्टली हिली रीजन्स में स्ट्रॉबेरी और ऐसे टाइप के एप्लीकेशंस में यूज होता है। और फोर्थ एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट मल्च फिल्म, जो कि मेन सोलराइजेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है। ये सोलराइजेशन प्रोसेस में क्या तरीके से यूज होता है, जब ये वाले फिल्म को नीचे ड्रिप इरिगेशन की लाइन चालू कर दिया जाता है, ये वाले फिल्म को उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है, तो जब धूप गिरती है तो गर्म धूप की वजह से और ड्रिप से जो पानी छूटता है वो पानी की वजह से अंदर पूरा भाप जैसा एकदम गर्म हवा, गर्म पूरा मॉइस्चर वातावरण बन जाता है अपने मल्च फिल्म के नीचे। तो वो गर्म वातावरण बनने के कारण जितने भी पेस्ट होते हैं वो बहुत सारे पेस्ट उसके अंदर मर जाते हैं, जो एक ये वाले प्रोसेस को बोला जाता है सोलराइजेशन। तो ये तरीके से नेचुरल वे में पेस्ट को किल किया जाता है, वो प्रोसेस के लिए ट्रांसपेरेंट मल्च फिल्म अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली यूज किया जा रहा है। एक क्विकली मैं ये बता दूंगा कि ग्रोइट मल्च फिल्म में हम अलग अलग टाइप का थिकनेस का फिल्म बना सकते हैं, 21 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, जो कि एक सीजन, दो सीजन और एक साल के लिए यूज किया जाता है। एक सीजन क्रॉप वाटरमेलन, मस्कमेलन के लिए यूज किया जाता है। 25 माइक्रोन जो कि दो सीजन है, वो जनरली वेजिटेबल क्रॉप्स जैसे कि चिलीज, टोमेटोज, कुकुम्बर, ये सब के लिए यूज किया जाता है। 30 माइक्रोन का क्रॉप जो एक साल के, 30 माइक्रोन का जो फिल्म है वो एक साल का जो क्रॉप है जैसे कि बनाना, पपैया, ग्रेप्स, उसके लिए यूज किया जाता है। और 50 एंड 100 माइक्रोन का क्रॉप जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है, जिसको हम ऑर्चर्ड क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कि एलोवेरा, मैंगोज, एप्पल्स, उसके लिए यूज किया जाता है। ये वाला जो मल्च फिल्म है ये 2 फिट से लेके 5 फिट तक की विड्थ में बनाया जाता है, और ये इसका स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो 400 and 800 meters का स्टैंडर्ड लेंथ है। इसके अंदर जो अभी ये जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं करंट मेथड ऑफ होल पंचिंग, अभी फिल्म में ये तरीके से होल पंच किया जाता है, जो अभी कन्वेंशनल मेथड ऑफ होल पंचिंग है।
अभी ग्रोइट के अंदर हम एक प्रॉपर तरीके से आपको प्री होल मल्च फिल्म प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको एकदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल मिलेगा, इधर उधर आपका होल नहीं जाएगा, मैनुअल होल प्रोसेस से फिल्म का फटने का भी चांस रहता है, इसके अंदर आपका फिल्म कोई फटने का चांस नहीं रहेगा, आपका बहुत सारा लेबर सेव होगा क्योंकि पहले से ही आपका होल किया हुआ होगा तो आपको एक्स्ट्रा लेबर उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो होल पैटर्न आएगा वो मल्टीपल तरीके का आ सकता है, फॉर वाटरमेलन छोटा होल आ सकता है, बड़ा होल आ सकता है फॉर चिलीज जो 2.5 से 3 इंच का होल है, और जो एकदम छोटे होल जैसे कि ऑनियन एंड गार्लिक के लिए जो आप फोटो में देख सकते हैं वैसे टाइप के होल्स भी प्री होल किया जा सकता है। तो ये एक मेन स्पेशलिटी है ऑफ ग्रोइट प्री होल मल्च फिल्म। दूसरा, जितना भी हम ग्रोइट के अंदर बहुत ज्यादा फोकस्ड है ब्रांडिंग के ऊपर एंड क्वालिटी के ऊपर, तो जो भी प्रोडक्ट्स हम सप्लाई कर रहे हैं ग्रोइट के अंदर, हर एक प्रोडक्ट में आपको हमारे कंपनी का ब्रांड नेम एंड लोगो एंड बैच कोड मिलेगा, जिससे कभी भी अपन ट्रैक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन से लॉट का था, और अपन एक प्रॉपर ब्रांड के साथ ये वाले फिल्म को सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। कुछ केस स्टडीज ग्रोइट का क्विकली डिस्कशन करना चाहेंगे। हम लोग ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कॉटन फार्मिंग के अंदर। कॉटन के अंदर अभी बहुत सारे जन मल्च का यूज नहीं कर रहे हैं, बट जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे कॉटन के अंदर मल्च का यूज करने से लगभग 40-45% हमने उसका ग्रोथ देखा। जो पोर्शन में मल्च यूज नहीं किया हुआ था और जिसमें किया हुआ था उसके यील्ड में लगभग 40-45% का इंक्रीज था, उसका जो फ्लावरिंग था वो बहुत अच्छा डेंस था। ये जो ट्रायल था ये हमने कच्छ रीजन में हमारे व्हाइट ब्लैक मल्च फिल्म के ऊपर किया था। सेकेंड केस स्टडीज आप देखेंगे, हमने एक ग्रीन हाउस के अंदर मल्च फिल्म का यूज किया है फॉर बेल पेपर कैप्सिकम, जो कलर्ड कैप्सिकम बोलते हैं उसके लिए, तो उसके अंदर लगभग हमने 30% का इंक्रीज इन यील्ड ऑब्जर्व किया। थर्ड जो है स्ट्रॉबेरीज के अंदर, जैसा मैं बता रहा था यहाँ पे हमने ब्लैक एंड ब्लैक फिल्म का यूज किया है, ये वाले फिल्म यूज करने से स्ट्रॉबेरी में लगभग 25-30% का इंक्रीज इन यील्ड हमने ऑब्जर्व किया, और फिल्म यूज करने से जो स्ट्रॉबेरीज जो हमारा आउटपुट में निकला वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा और एक्सपोर्ट क्वालिटी का स्ट्रॉबेरी किसान भाई लोग बना पाए, मैन्युफैक्चर कर पाए यूजिंग दिस ब्लैक एंड ब्लैक मल्च फिल्म। ये एक केस स्टडी है, हमारा मल्च फिल्म हमने फ्लावर्स के अंदर यूज किया था, वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए, बहुत अच्छे रिजल्ट हमको आए, लगभग 30-35% का इंक्रीज दिखा। तो फ्लावर्स भी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे इंडिया में अभी इतना यूज नहीं हो रहा है मल्च फिल्म, बट उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रेगुलर सिल्वर ब्लैक फिल्म मल्च यूज किया गया है ये वाले खेती के अंदर। ये वाला जो आप फोटो देख रहे हैं मल्च फिल्म इन ऑर्चर्ड क्रॉप्स, यहाँ पे हम जैसा मैंने आपको बताया था 50 माइक्रॉन्स एंड 100 माइक्रॉन्स का 2 मीटर बाय 2 मीटर के कट पीसेस को यूज किया जाता है फॉर ऑर्चर्ड क्रॉप्स। तो ये यूज करने से सबसे मेन जो वो वीड कंट्रोलिंग देता है ऑर्चर्ड क्रॉप्स को, जो ऑर्चर्ड क्रॉप्स के जो रूट्स है वो उसको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, ये रीजन के वजह से एक तो अपना यील्ड भरता है और दूसरा जो रिजल्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रॉप है वो किसान भाइयों को बहुत अच्छा मिल पाता है। तो ये भी हमने बहुत सारे जगह पे ये वाला फिल्म प्रोवाइड किया है, 100 माइक्रॉन्स का फिल्म मोस्ट सुटेबल है फॉर एनी ऑफ द ऑर्चर्ड क्रॉप्स लाइक मैंगोज, ऑरेंजेस, कस्टर्ड एप्पल, डेट पाम, सो ऐसे टाइप के जो भी ऑर्चर्ड क्रॉप्स है इसके अंदर ये वाला सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये तरीके से अभी हमने देखा कि मल्च अपने कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, क्या कैटेगरी ऑफ मल्च है। एक और मैं बोलना चाहूंगा, जो भी अपने अटेंडीज है आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आपके कुछ भी सवाल है, तो प्लीज आप चैट बार में डालिए, आप अपना प्रेजेंटेशन खत्म होते ही वन बाय वन हम वो सारे क्वेश्चन को लेते जाएंगे, चैट बार में आप डालिए। रितेश जी है वो चैट बार देख रहे हैं, आपके सारे क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक साथ अपन आफ्टर द प्रेजेंटेशन एक साथ हम वो सारे क्वेश्चंस को लेंगे।
उसके बाद हम हमारे सेकंड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे जिसका नाम है ग्रोइट क्रॉप कवर। ये एक न्यू प्रोडक्ट है मार्केट के लिए। ये एक कम्प्लीटली नॉन वोवन फैब्रिक से बना यूवी ट्रीटेड प्रोडक्ट है। मेन बेनिफिट ये प्रोडक्ट का है, ये अर्ली सीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है। अर्ली सीडिंग एंड अर्ली फ्रूट स्प्राउटिंग के अंदर ये वाला प्रोडक्ट काम में आता है। ये प्रोडक्ट जैसे आप फोटो में देख रहे हैं एक मिनी ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह ये काम देता है, जो अपना क्रॉप कवर प्रोडक्ट है। बहुत सारे किसान भाई अभी ये वाले प्रोडक्ट को ऑफ सीजन क्रॉप निकालने के लिए भी यूज करते हैं। सो ऑफ सीजन क्रॉप निकालने के लिए क्रॉप कवर वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट है। क्रॉप कवर का कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है क्रॉप कवर रोल्स। क्रॉप कवर के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग वैरायटी है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है ग्रोइट क्रॉप कवर रोल, जो कि क्रॉप कवर रोल फॉर्म में आता है। अलग अलग अपने एप्लीकेशन के लिए, अलग अलग खेती के लिए अलग टाइप के रोल्स अपने यूज होते हैं। सबसे मेन आपका जो एक क्रॉप कवर है, ये एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वो सब के लिए। दूसरा, ये जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंडी है, वहां पे अपने क्रॉप को डायरेक्टली एटमोस्फेयर के इफेक्ट से आने में बचाता है। तो ये अप टू जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है एज लो एज 5 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है अप टू 55 डिग्री सेल्सियस, वहां पे ये वाला प्रोडक्ट क्रॉप को बहुत अच्छी तरीके से एक्सटर्नल टेम्परेचर से बचाता है। ये कुछ डायमेंशंस है जो क्रॉप कवर में जनरली होते हैं, और इसका मेजर एप्लीकेशंस वाटरमेलन, मस्कमेलन, स्पिनच, लेट्यूस, कॉलीफ्लावर, चिलीज, टोमेटोज, ये सब टाइप के क्रॉप के अंदर है इसका मेजर एप्लीकेशन। सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्रॉप कवर है अपना ग्रोइट फ्रूट कवर। ये जो फ्रूट कवर है ये इंडिविजुअल फल के लिए, हर एक 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 फल के लिए ये वाले फ्रूट कवर को लगाया जाता है। ये फ्रूट कवर का सबसे मेन फायदा है, जैसे कि अपन ने देखा कि किसान भाइयों को एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता क्योंकि उनका जो क्वालिटी है वो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं। ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज सबसे ज्यादा अपना पोमोग्रेनेट, मैंगोज, एप्पल्स, ऐसे टाइप के जो कीमती कैटेगरी ऑफ फल है उसके अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, जहाँ पे ब्लैक स्पॉट हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है अपना ग्रोइट फ्रूट कवर, ये वो चीज ब्लैक स्पॉट होने से रोकता है। दूसरा, ये फ्रूट का क्रैकिंग, फ्रूट में क्रैकिंग आने से भी रोकता है। ये अपना जो फ्रूट है उसका एक बहुत अच्छा यूनिफॉर्म साइज एंड शेप एंड कलर देता है, बिकॉज ये फ्रूट को डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट धूप के लिंक में आने से, डायरेक्ट धूप लगने से रोकता है। तो वो तरीके से ये स्पॉट बचाता है, फ्रूट क्रैकिंग से बचाता है, एंड बहुत अच्छा यूनिफॉर्म शेप एंड साइज देता है। तो जो आपका फ्रूट निकलता है वो बेस्ट क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट निकलता है, जिससे आपको मार्केट में एक बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। ये जो क्रॉप कवर है वो अलग अलग साइज एंड डाइमेंशंस में आता है। जो सबसे मेन एप्लीकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया, जो कीमती फल है जैसे कि अनार, पोमोग्रेनेट, मैंगो, गुआवा, एप्पल्स, ग्रेप्स, ये सब में क्रॉप कवर का सबसे ज्यादा यूज होता है। थर्ड जो अपना कैटेगरी है, क्रॉप ग्रोइट बनाना कवर। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडिया जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। सबसे इंडिया वन नंबर पे है बनाना मैन्युफैक्चरिंग में। पूरे दुनिया में जितना भी बनाना मैन्युफैक्चर होता है उसका 30% बनाना खाली इंडिया ही बनाता है। तो अभी अगर इतना ज्यादा अगर बनाना इंडिया बनाता है, और अगर इंडिया सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ बनाना भी अगर बनाने लगे, तो किसान भाइयों को मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है बनाना का। तो जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, जो ग्रोइट बनाना कवर है वो पूरा का पूरा बनाना के बंच पे लगाया जाता है। जो बनाना का इनिशियल फ्रूटिंग स्टेज होता है वो टाइम पे ये वाले बनाना कवर को लगाया जाता है, जो कि सबसे पहला तो बनाना पे यील्ड को, प्रोडक्शन को लगभग 20-25% बढ़ाता है। दूसरा, बनाना पे वो काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट होने से बचाता है। थर्ड, वो सारे बनाना को एक यूनिफॉर्म साइज एंड शेप देता है। फोर्थ, जो शाइनिंग ऑफ द बनाना है, ये वाले प्रोडक्ट लगाने से बनाना की शाइनिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, जिससे मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट प्राइस आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, और आप एक एक्सपोर्ट, अच्छे एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना बना सकते हैं। ये उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिसमें बनाना कवर ग्रोइट प्रोवाइड करते हैं।
ये ग्रुएट का जो फोर्थ प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्रुएट प्लांट कवर, ये मेनली यूज होता है पपैया एंड बनाना के इनिशियल सीडलिंग स्टेज पे। कोई भी पौधे को सबसे ज्यादा सीडलिंग स्टेज पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो जो ग्रुएट का जो प्लांट कवर है वो हमारा एट द इनिशियल स्टेज पे यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं, जब सीडलिंग एकदम छोटा होता है, पौधा एकदम छोटा होता है, वो टाइम पे बनाना एंड पपैया के अंदर मेनली ये वाले प्लांट कवर को यूज किया जाता है जिसका नाम है ग्रोइट प्लांट कवर। अभी हमने ये देखा कि क्रॉप कवर क्या क्या तरीके से यूज होता है, बट क्रॉप कवर की जो सबसे मेन कैटेगरी है, जो क्रॉप कवर रोल जिससे पूरा टनल लो टनल बनाया जाता है, तो उसके लिए सबसे मेन चीज है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम टनल बनाए जाए। खाली हमको क्रॉप कवर को क्रॉप्स के ऊपर स्प्रेड नहीं करना है, एक प्रॉपर वे से टनल बनाना है। तो ग्रोइट फाइबर रॉड एक प्रॉपर वे ऑफ टनल बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब पहले के टाइम में टनल बनाना होता था तो लोग स्टील वायर यूज करते थे, बट जो हमारा ग्रोइट फाइबर रॉड है वो एक मच बेटर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टील वायर है, जो कि लगभग 75% लाइटर है एज कंपेयर टू स्टील। दूसरा, ये जो वायर है ये यूज करने के बाद पूरा सीधा हो जाता है जो फाइबर रॉड है, और जो स्टील वायर है वो सीधा करना बहुत मुश्किल है। ये रीजन की वजह से ये बहुत इजी है इसको स्टोर करना और फिर से यूज करना। स्टील वायर के ऊपर एटमॉस्फेयर के वजह से जंग लग जाता है, ये वाला जो फाइबर रॉड है ये फाइबर होने की वजह से ये कम्प्लीटली रस्ट प्रूफ है, इसके ऊपर कभी कोई जंग नहीं लग सकता। और ये वाला जो फाइबर रॉड है इसका लाइफ 8 to 10 years का है, अप्रोक्स 8 to 10 years का लाइफ है। तो ये सीजन खत्म होने के बाद किसान भाई इसको फिर से स्टोर कर सकते हैं एंड नेक्स्ट सीजन में फिर से इसको रियूज कर सकते हैं। उसके बाद का हमारा जो प्रोडक्ट है इन प्लास्टिक कल्चर वो है हमारा शेड नेट। जो शेड नेट है वो एक लाइट वेट एक निटेड फैब्रिक से बना हुआ मटेरियल होता है। ये जो शेड नेट है ये कम्प्लीटली यूवी ट्रीटेड मटेरियल होता है जिसका लाइफ लगभग 3 to 5 years का रहता है। ये जो शेड नेट है ये सबसे मेन जो सनलाइट है उसके डायरेक्ट एक्सपोजर से प्लांट्स को बचाता है। अदर देन सनलाइट, ये जो हैवी रेन्स है, हेल स्टॉर्म्स है, जो बर्फ के जो गोले होते हैं उससे और हैवी रेन से, ये जो क्रॉप कवर है ये हमारे प्लांट्स को डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाता है। ये रीजन के वजह से जो हमको यील्ड मिलता है क्रॉप का वो बहुत बेटर मिलता है। ये जो शेड नेट है ये अलग अलग शेड फैक्टर में आता है, जैसे कि 50%, 75%, 90% बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। अगर आपको कोई क्रॉप उगाना है तो उसके लिए 50% ऑफ द शेड फैक्टर मोर देन इनफ है। अगर आपको कोई नर्सरी एप्लीकेशन के लिए आपको शेड बनाना है तो उसके अंदर जनरली लोग 75% टू 90% वाला शेड फैक्टर का शेड नेट यूज करते हैं। तो ये तरीके से शेड नेट एक पॉली हाउस का कंप्लीट पॉली हाउस जैसा काम करता है, जिसको हम ग्रीन नेट ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। उसके बाद का जो हमारा प्रोडक्ट है जो एक बहुत काम का है मेनली क्रीपर क्रॉप्स के लिए, वो सारे ऐसे क्रॉप्स जो कि अपने वेजिटेबल क्रॉप्स मेनली है, जैसे कि आपका कुकुम्बर हो गया, टोमेटोज हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये सारे क्रॉप्स के लिए आपका जो ग्रोइट एग्री वायर है वो एक बहुत अच्छा यूजफुल प्रोडक्ट है। ग्रोइट एग्री वायर है वो एक यूवी ट्रीटेड पीईटी प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ वायर है। ये जो वायर है ये एक बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ स्टील वायर है, बिकॉज इसके ऊपर ये प्लास्टिक का होने की वजह से ये धूप में ना तो गर्म होता है ना ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कोई भी इतना असर नहीं आता है। तो ये वाला वायर, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे क्रीपर क्रॉप्स हो गया, आपका ग्रेप्स का फार्मिंग हो गया, वाइन यार्ड्स हो गया, ये ग्रीन हाउसेज अपन ग्रीन हाउसेज बिल्ड करने के लिए हो गया, और फेंसिंग फॉर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डैम्स एंड पॉन्ड्स हो गया, वो सब के लिए ये वाले वायर का बहुत ज्यादा यूज है।
उसके बाद का प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्रो इट ऑनलाइनर। ये जो प्रोडक्ट है ये मेन वाटर हार्वेस्टेशन के लिए यूज होता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू पहले के टाइम में पूरा जो वाटर हार्वेस्टिंग करते थे किसान भाई, जो वाटर स्टोरेज करते थे वो सीमेंट का टैंक बनाया जाता था और अलग प्लास्टिक का टैंक बनाया जाता था जिसके अंदर वाटर स्टोर किया जाता था। बट ये ऑनलाइनर के आने से जो भी पूरा वाटर हार्वेस्टेशन है वो एक HDPE मटेरियल, एक प्लास्टिक के मटेरियल से पूरा एक पॉन्ड बनाया जाता है और उसके अंदर कंप्लीटली रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। और ये वाला पानी बहुत मल्टीपल एप्लीकेशंस में, इरिगेशंस में और वो सब में आगे यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे जो पानी स्टोर किया जाता है वो एक बहुत लंबे टाइम के लिए भी स्टोर किया जा सकता है। तो ये जो ऑनलाइनर है ये बहुत हद तक सब किसान भाइयों को एक पानी का शॉर्टेज से उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि जब आपका बारिश का टाइम है तब ऑनलाइनर की मदद से पानी को स्टोर कर लिया जाए और वो वाला पूरे साल उसको अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। ये जो पॉन्ड लाइनर है सीमेंट की टैंक में, सीमेंट के जो पॉन्ड्स बनाते थे उसमें एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था कि पानी जमीन में उतर जाता था। ये प्लास्टिक मटेरियल होने से पानी जरा भी जमीन में उतरने का चांस नहीं है, तो वो हिसाब से ये जो सीपेज लॉस बोलते हैं उसमें भी बहुत अच्छा सहायता करता है। उसके बाद जो हमारा एक प्रोडक्ट है उसका नाम है ग्रो इट लेफलेट ट्यूब। ये जो लेफलेट ट्यूब जैसा आप देख रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ रिजिड पीवीसी पाइप्स है। अभी किसान भाई एक अपने पॉन्ड लाइनर से या वाटर स्टोरेज से अपने किसान अपने खेत तक पानी लेके जाने के लिए एक मोटा पीवीसी पाइप का यूज करते हैं जो कि एकदम हार्ड होता है, और ये जो लेफलेट ट्यूब है ये उसके कंपैरिजन में बहुत ही लाइट वेट और इजी टू कैरी है। और ये बिकॉज इजीली फोल्ड हो सकता है, जब इसका काम खत्म हो जाता है तो ये वाले ट्यूब को इजीली रोल बैक, इजीली फोल्ड किया जा सकता है और इसको स्टोर किया जा सकता है, तो ये बहुत ही इजी टू यूज है। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये वाले लेफलेट ट्यूब का, पीवीसी ट्यूब जो है वो आपका ट्रक और कोई भी बड़ा हैवी व्हीकल पास होने से उसमें क्रैकिंग आने का चांस हो सकता है, जो रिपेयर होना एक बहुत टफ चीज है, एक बहुत मुश्किल चीज है। बट आपका जो ये लेफलेट ट्यूब है जो कि HDPE प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, फ्लेक्सिबल मटेरियल से, ये इसके ऊपर कोई भी हैवी व्हीकल पास होगा तो भी ब्रेकेज का कोई भी चांस नहीं है। और हम इसके साथ में एक पंचर किट भी प्रोवाइड करते हैं, बाय चांस कोई भी अगर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या कुछ लग जाता है, कुछ अगर पंचर हो जाता है तो एक साथ में किट प्रोवाइड किया जाता है जिससे किसान भाई अपने हिसाब से ही ये वाले ट्यूब को रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट है हमारा प्लास्टिक कल्चर में जिसका नाम है ग्रो इट वर्मी बेड। ये वाला प्रोडक्ट जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये जो वर्मी बेड है ये क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए काम में आता है। ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है और इजी टू रिलोकेट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे मूव किया जाता है। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ये वर्मी बेड के कॉर्नर्स पे एयर सर्कुलेशन के लिए नेट की विंडो बनाई गई है जिससे कंटिन्यूस एयर सर्कुलेशन मिलता रहता है। और ये जो है ये प्रोटेक्शन फ्रॉम टर्माइट्स एंड माइस ये वाला देता है वर्मी बेड। लास्ट प्रोडक्ट हम जो हमारे कैटेगरी में देखेंगे प्लास्टिक कल्चर का उसका नाम है ग्रो इट इंसेक्ट ट्रैप्स। हमने देखा कि जो पेस्ट अटैक है उसमें भी जो व्हाइट फ्लाइज है वो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है पेस्ट अटैक का। बहुत सारे किसान भाई को ये नहीं पता चल पाता कि हमारे फार्म पे क्या टाइप का अटैक हुआ है, व्हाइट फ्लाइज का अटैक हो गया है कि नहीं हुआ है। तो ये जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं ऐसा येलो एंड ब्लू कलर का आपका पीवीसी का शीट्स आता है जिसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का गम लगा होता है, और ये जो येलो कलर एंड ब्लू कलर है इससे व्हाइट फ्लाइज और अदर पेस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहला तो ये किसान भाइयों को हेल्प करता है कि वो क्या तरीके से पता कर पाए कि उनके फार्म में कौन से टाइप का पेस्ट अटैक हो चुका है। तो ये वो शीट को देखते हैं तो उनको अच्छी तरीके से वो इजीली पता चल जाता है।
और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है ये येलो शीट होने से, और जो पेस्ट है वो ये शीट के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ये शीट के तरफ खींचाते हैं, ये रीजन के वजह से जो प्लांट्स है उसके ऊपर वो लोग नहीं बैठते और ये शीट के ऊपर जाके अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे से चिपक जाते हैं, तो अपना जो प्लांट है उसमें पेस्ट का अटैक बहुत ज्यादा कम हो जाता है ये रीजन के वजह से, और ओवरऑल ये चीज से अपना जो ईल्ड है वो बहुत बेटर हो जाता है। तो ये थे हमारे मेन प्लास्टिक कल्चर रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स जो हम ग्रोइट के अंदर हमने कर रहे हैं, और हम सारे किसान भाइयों को अलग टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस। मैं एक ब्रीफ बताना चाहूंगा कि क्यों आप ग्रोइट को एज आपका एग्रीकल्चर पार्टनर, एज एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एज वन स्टॉप प्रोवाइडर आप सिलेक्ट करें। ग्रोइट जो है वो वन ऑफ द यंगेस्ट प्लास्टिक कल्चर कंपनी ऑफ इंडिया है, हमको खाली कपल ऑफ इयर्स ही हुए हैं प्लास्टिक कल्चर डोमेन में एंटर होते हुए। हम लोग के पास अल्फा के पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज है, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है हमारे ये वाले मैन्युफैक्चरिंग में बनते हैं। जो हमारा कंपनी है अल्फा, हम लोग गुजरात गवर्नमेंट के सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक कल्चर प्रोडक्ट्स का ऑल ओवर गुजरात में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम लोग ये चीज को, हमको बहुत खुशी है ये चीज के बारे में अनाउंस करना कि इतने कम टाइम में गवर्नमेंट से हमको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिला है, जो बहुत टाइम में बहुत कम कंपनियों को मिला जाता है, मिल सकता है। और हम लोग का जो कंपनी है, हम लोग के सारे प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे ISO 9001:22000 सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। दूसरा, बहुत कम समय में हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्प्रेड करने का ट्राई किया है। वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्प्रेड करने में जो हमारे स्टेट वाइज जो फील्ड टीम है और जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड किसान भाई है, उन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया है ऑल ओवर इंडिया में ये वाले नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो एज ऑफ नाउ जो हमारा ग्रोइट है वो पान इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में हम रीच कर पाए हैं इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। दूसरा, हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट वाइज एग्रोनॉमिस्ट का फील्ड टीम है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड हमारे किसान भाइयों को हर एक पॉइंट पे गाइड करते हैं कि क्या तरीके से बेस्ट वे ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस करना चाहिए और क्या बेस्ट प्लास्टिक कल्चर प्रोडक्ट्स उनके क्रॉप के हिसाब से यूज करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, हमारा इन हाउस एक बहुत स्ट्रॉन्ग R&D टीम है जिसमें हम क्या नया चीज लेकर आ सकते हैं प्लास्टिक कल्चर के अंदर जो किसान भाइयों की इनकम डबल करने में, डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मोटो है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, हमारा भी ग्रोइट में वही मोटो है कि क्या तरीके से उनका इनकम डबल किया जाए यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग प्लास्टिक कल्चर प्रोडक्ट्स। इसके लिए हमारी R&D टीम है जो दिन रात ये वाली चीज के अंदर रिसर्च कर रही है और करती है। So, अभी शायद थोड़े राउंड ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक सो रितेश जी हम लेना चाहेंगे। उसके बाद जो हमारे कुछ एस्टीम्ड कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स का हम फीडबैक करेंगे, इतने कस्टमर्स भी थोड़े ज्वाइन हो गए हैं क्या वो हम चेक कर लेते हैं। इतने अगर आप कुछ थोड़े क्वेश्चंस अगर किसके हो अपने अटेंडिस के तो वो अगर आप कुछ शेयर कर सके। Yashi, there are a couple of questions which has been raised by our attendees and our stakeholders. So I'm going one by one. There are a couple of questions which has been asked by Ashish Ji. Asked how pre-hope mulch will be used in onion crops. Correct. So onion crops में जैसा मैंने आपको बताया कि onion and garlic जो ये दोनों जो क्रॉप है, ये दोनों क्रॉप का जो क्रॉप डिस्टेंस है वो बहुत पास पास में होता है। सो ये रीजन के वजह से उसके अंदर जो हम प्री होल मल्च जो देते हैं उसका जो होल साइज है वो बहुत छोटा होता है, जो स्पेशली ऑनियन एंड गार्लिक के लिए हमने डिजाइन किया है।
लगभग 1 to 1.5 mm का होल किया जाता है, जिससे जो ऑनियन क्रॉप है, जो बहुत डेंस क्रॉप है, जो बहुत पास पास में होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से प्री होल के अंदर छोटा होल साइज वाला जो प्री होल फिल्म है वो यूज करके उगाया जा सकता है वैसा। सो ये एक उसका प्राइम एडवांटेज है। दूसरा, अगर हम चाहेंगे कि जैसा अगर आशीष जी अगर अपना कुछ डिटेल दे पाए तो हमारा टीम उनको कुछ सैम्पलिंग करने में हेल्प कर सकता है और बेस्ट वे के अंदर उनको गाइड कर सकते हैं कि क्या तरीके से बेस्ट एडवांटेज हो सकता है उनको। ओके यशी, आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर आशीष। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय मिस्टर आशीष। इज क्रॉप कवर बेनिफिशियल फॉर स्ट्रॉबेरीज? नो, फॉर स्ट्रॉबेरीज एज इन क्रॉप कवर, क्योंकि जो क्रॉप कवर का जो सबसे जो मेन काम है वो एक ग्रीन हाउस की तरह इफेक्ट देता है, जहाँ पे वो सनलाइट से बचाता है, धूप से बचाता है और एक्सटर्नल पेस्ट अटैक से बचाता है। तो ऑलरेडी जनरली जहाँ पे स्ट्रॉबेरीज यूज होता है वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता। सो एज इन हम लोग ने ग्रो इट में कभी भी क्रॉप कवर स्ट्रॉबेरी पे ट्राई नहीं किया है। सो हम लोग स्ट्रॉबेरी में कितना एडवांटेज है वो राइटली नहीं बता सकते। मे भी एक बार उसका रियल प्रैक्टिकल डेमो हम कर सकते हैं जॉइंटली मिलके, तो कुछ आगे क्या बेनिफिट होता है वो पता चल सकता है। बट बाकी जो वेजिटेबल क्रॉप्स है उसके ऊपर मेनली वो यूज होता है। और दूसरा, फ्रूट कवर तो वैसे भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रॉबेरी इंडिविजुअल बहुत छोटी होती है और बहुत स्कैटर्ड होती है। ओके, सो आई बिलीव दैट also I answered the question of Mr. Ashish. There was a one question raised by we have mentioned in the session right now that above 30 microns only is advisable, because below that will not be decay in soil. Clarification in this. अबाउट 30 जो एडवाइजेबल का जो अपन ने बात किया था वो मेनली ऑर्चर्ड क्रॉप्स के अंदर। जो आपका मल्च फिल्म है उसके अंदर तो आपका अगर एक सीजन क्रॉप है तो आपको 21 माइक्रोन यूज करना है। एक सीजन क्रॉप यानी कि जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, मस्ट मेलन हो गया। आपका दो सीजन का क्रॉप है उसके अंदर आपका 25 माइक्रोन सबसे बेस्ट सूटेबल है, जैसे कि आपका कुकुम्बर हो गया, आपका चिलीज हो गया, टोमेटोज हो गया। और जो आपका 30 माइक्रॉन्स है वो या तो आपको डबल क्रॉप लेना है या वन ईयर ड्यूरेशन का क्रॉप लेना है, जैसे कि आपका पपैया हो गया, बनानास हो गया, वहां तक 30 माइक्रॉन है। अबाउट 30 माइक्रॉन जहाँ हम अगर जाएंगे तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, जो 3 years 5 years के जो क्रॉप्स है, जो हम ऑर्चर्ड क्रॉप जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपका एलोवेरा है उसमें 50 माइक्रॉन्स के फिल्म का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो मैंगोज है, जो आपके ऑरेंजेस है, इसके अंदर 100 माइक्रॉन्स के फिल्म का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो 30 माइक्रॉन्स के अबाउट का जो फिल्म है वो ऑर्चर्ड क्रॉप जो 3 to 5 years के लॉन्ग ड्यूरेशन के क्रॉप से, उसके अंदर हमारा रिकमेंडेशन है। ओके, सो आई होप दैट आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच हैज जस्ट रिसेंटली कम अप, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ शीट नेट्स? सो आई विल रिकमेंड के शेड नेट जो है, अगर जो उसका स्पेसिफिकेशन है, अगर कुछ ईमेल कुछ अगर आप शेयर कर दें जिनका भी अगर है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर हम लोग का जो हर एक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का एक पूरा ब्रोशर बना हुआ है, जिसमें हर स्पेसिफिकेशन कौन से क्रॉप में यूज करना चाहिए, क्या उसका बेस्ट एडवांटेज रहेगा, वो उसके अंदर हमने मेंशन किया है। तो हम अगर वो भेज देंगे और फिर डिस्कशन करेंगे तो शायद और अच्छा रहेगा। सो उनका खाली डिटेल्स अगर वो प्रोवाइड कर दे तो वो हिसाब से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज यूजिंग ऑफ मल्चिंग शीट विल किल द मार्केट ऑफ इनर कल्टीवेटर्स, एंड एडिशन टू दैट एज देयर विल बी नो और लेस सीड्स। Question is using a mulching sheet will kill the insects in the inner cultivation. That was the one question, and the second was whether the agri wire is cheaper than the steel wire,
comparison of steel versus plastic wire. They wanted some kind of demo photo also in that case. Yeah, yeah. See, the price, if agar hum price ki baat kare, to jo agri wire hai, wo nearly on an average 40% cost mein steel wire se kam hai. जो एग्री वायर है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 mm टू अप टू 5 mm अलग अलग डायमीटर का आता है बेस्ड ऑन आवर यूजेज कौन से क्रॉप में कौन से जगह पे उसको अप्लाई करना है तो वैसा है बट जब हम ऑन एन एवरेज की अगर बात करेंगे तो नियरली 40-42% कॉस्ट ऑफ एग्री वायर इज लेस सो अगर जो और डिटेल्स हमको एग्री वायर में देना है तो जैसा मैंने शेड नेट के लिए बताया अगर सर कुछ शेयर करते हैं चीजें तो हम एग्री वायर का पूरा डिटेल्स जो है हमारा के कौन से क्रॉप में क्या यूज करना चाहिए और हमने बहुत सारे फार्मिंग में जैसे कि आप मानिए वेजिटेबल फार्मिंग टोमेटोज के अंदर हमने एग्रेसिवली यूज किया है वाइन यार्ड्स के अंदर नासिक बेल्ट में हमने बहुत एग्रेसिवली यूज किया है एग्री वायर्स को सो ऐसे सारे जो भी क्रीपर क्रॉप्स है उसके अंदर एग्री वायर्स बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है सो एट द लास्ट आई विल शेयर मैं जो अपना ईमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट भी हम शेयर करेंगे सो वो वाले नंबर पे अगर किसको भी कुछ है क्वेरीज तो और वो साथ में शेयर कर सकते हैं और आप अपना चैट बॉक्स में डिटेल्स डाल सकते हैं तो उसके ऊपर भी हम आपको रीच आउट करेंगे So, Yashi, we are just stopping the question and answer session right now because there are many questions coming up. So, Correct. We should move ahead with the introduction of our other people who are on board. So Correct. Subsequently, we can take the other question and answer because we are having time right now. So, because there are many questions which are coming up from the participants, so we will answering them all of them. Correct. Sure. जस्ट अ मिनट सो इन द मीन टाइम आर कस्टमर्स आर ज्वाइनिंग मैं खाली एक और एक बेसिक पोल आई एम जस्ट पुटिंग ऑन द स्क्रीन निकिता जी इफ यू कैन जस्ट गाइड आवर मेंस अटेंडर्स के थोड़ा ये वाले पोल में थोड़ा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करें इतने आई विल जस्ट चेक कि अपने मैक्सिमम जो कस्टमर्स है जिनका फीडबैक लेना है वो ज्वाइन हो गए हैं क्या श्योरली आई लाइक टू इनवाइट अपॉन मैं अरविंद धवले जी को इनवाइट करना चाहूंगी जो सह्याद्री फार्म से हैं अरविंद धवले जी सह्याद्री फार्म के GM है और सह्याद्री फार्म जो इंडिया के 8,000 फार्मर्स के साथ में प्रोड्यूस प्रोसेस करते हैं और सह्याद्री फार्म जो है हम लोग के साथ जुड़े हैं जो लार्जेस्ट ग्रेप एक्सपोर्टर टू यूरोपियन मार्केट में है और टमाटो ग्रोवर के लिए लार्जेस्ट ग्रोवर और प्रोसेसर है और मैं धवले जी से अल्फा प्लास्टोवर के बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ कि वो क्या चाहते हैं अल्फा प्लास्टोवर के बारे में निकिता जी एक बार आई विल लाइक टू स्टॉप यू इन बिटवीन मैं खाली एक बार ये चाहूंगा कि बिफोर इनवाइटिंग ना जो पोलिंग एक अपन ने स्टार्ट किया है एक बार अगर आप खाली थोड़े अपने अटेंडिस को वो पोलिंग से एक बार अगर गो थ्रू करवा सके इतने आई विल जस्ट चेक जो अपने ज्वाइन हो गए क्या ओके जस्ट अ मिनट पोलिंग के अगर आप कुछ क्वेश्चंस खाली रीड आउट करके थोड़ा अटेंडिस को अगर गाइड कर पाए तो श्योरली सर दिस इज अपना ये जो नया पोल है पोल नंबर 2 है जिसमें मैं सभी अटेंडिस के साथ में जानना चाहूंगी कि क्रॉप कवर जो है जो क्रॉप कवर विद द बेस्ट यील्ड ग्रीन हाउस में मिलता है कि पॉली हाउस में जो मिलता है वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर मिलता है टमाटर लेंटुस कैबेज स्ट्रॉबेरीज कुकुम्बर या कैप्सिकम मैं दोबारा से रीड करना चाहूंगी कि क्रॉप जो बेस्ट यील्ड जो मिलता है वो ग्रीन हाउस में मिलता है या पॉली हाउस में मिलता है और ये क्रॉप्स है टमाटर लेंटिल्स कुकुम्बर स्ट्रॉबेरी या कैप्सिकम सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन से क्रॉप मोस्टली इंडिया में कौन से मल्च फिल्म क्रॉप कवर के क्रॉप यूज इंडिया में होता है
टमाटर के लिए, चिली के लिए, वाटरमेलन या मस्क मेलन? मस्क, दोबारा से रीड करना चाहूंगी क्वेश्चन, ये मल्च फिल्म जो यूज करते हैं वो कौन से क्रॉप के लिए ज्यादातर यूज होता है हमारे इंडिया में? टमाटर, चिली, वाटरमेलन या मस्क मेलन? थर्ड क्वेश्चन है आपका, आज हम लोग के साथ में आपने इतना टाइम शेयर करके हम लोग के साथ में जुड़े हैं और आप हमारे साथ में वेबिनार में आए हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये वेबिनार आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, अच्छा, ओके, या हम आप चाहते हैं कि उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या हम लोग आपके एक्सपेक्टेशन के पार नहीं उतरे हैं, वो हम जानना चाहेंगे। और लास्टली अगर ऐसा कोई थोड़ा अर्जेंट है, आप मेरे को टोल फ्री नंबर मैसेज कर सकते हैं क्या थोड़ा? और मैं और भी एक जानना चाहूंगी कि ये जो करता हूं जी, कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। और लास्टली ऐसे कोई वेबिनार हम लोग फ्यूचर में अगर हम लोग करते हैं तो आप हम लोग के साथ में जुड़ना चाहेंगे या नहीं? थैंक यू, प्लीज वो में पार्टिसिपेट कीजिएगा और आपका व्यू जो हम लोग के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि हम आप क्या चाहते हैं वो समझ के आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर सकें। I requested all the participator to kindly part in poll 2 so that we can serve you better in coming days and in future. सभी पार्टिसिपेटर को नम्र विनती है कि आप प्लीज पोल 2 में पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपकी राय हम लोग के साथ में प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग आपके लिए बेहतर काम कर सके। थैंक यू। सो निकिता जी, पोल के अंदर अपने अच्छे खासे मोस्टली 80% ऑफ द अपने पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है वैसा। सो आई विल लाइक टू एंड दिस पोलिंग और वी कैन मूव अहेड विद आवर फ्यूचर प्रेजेंटेशन। So just a second. For that, Yash bhai, जो जो participate किया है poll में, we need to clap for them. That they really encourage us with their participation. Thanks a lot. Clap for you everyone. सही है। तो जैसे रिजल्ट्स जो दिख रहे हैं ग्रीन हाउस के अंदर जो सबसे मैक्सिमम आया है दैट इज कैप्सिकम। सो आई थिंक सो जो हमारा भी एनालिसिस मोस्टली यही था कि जो कलर्ड कैप्सिकम है वो ग्रीन हाउस पॉली हाउस के अंदर मोस्टली सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता होगा। सेकेंड हमारा था कि इन विच क्रॉप्स मल्च फिल्म इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। ओके, सो वाटरमेलन एंड मस्क मेलन जिसको 73% वोटिंग मिला है, राइट। सेकेंड मिला है टोमेटोज एंड चिलीज को, एंड बनाना एंड पपैया को 0 मिला है। सो लाइक मैं सबको कहना चाहूंगा उसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, वी हैव ए गुड, हमारे पास केस स्टडीज है बनाना एंड पपैया का। सो हम आपके साथ मिलके उसमें भी ट्राई करना चाहेंगे। फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्चर्ड क्रॉप्स में खाली 5% एंड 3% मिला है। सो लाइक उसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्चर्ड दोनों के अंदर बहुत अच्छे प्रूवन रिजल्ट्स है मल्च के। सो उसके अंदर जो भी अगर फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्चर्ड के रिगार्डिंग खेती करता है, काम करता है, सो वो डेफिनेटली हमारे कॉन्टेक्ट में आए, उसमें हम बेस्ट यूज ऑफ मल्च का उनको गाइड कर सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं। फीडबैक जो दिया है एक्सीलेंट, गुड, ठीक है, थैंक यू। वुड यू लाइक टू हैव मोर सच वेबिनार? क्या बात है, इसमें 100% बहुत सारे जन ने बोला है यस, 3% जन का रिजल्ट नेगेटिव है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पोल। सो निकिता जी, आप अगर शर्वना जी को सुमुखा से अगर एक बार इनवाइट कर सके, सो आई विल लाइक यू टू इनवाइट शर्वना जी फ्रॉम सुमुखा वैसा, एंड देन यू कैन हैंड ओवर इट टू मी अगेन। ओके, बट पहले जो 3% जो नाखुश है वो मुझे वो भी एक शेयर करे क्यों है, ताकि हम लोग अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। दिस इज हम लोग समझना चाहिए डेफिनेटली। शर्वना जी के बारे में क्या मैं बोलना चाहूंगी कि ये शर्वना कुमार जी जो है वो सुमुखा के हैं, सुमुखा के एमडी है,
और वो कोयम्बतूर एरिया में है और उनके पास वो सुमुखा फार्म इज द बिगेस्ट इम्पोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्पेशलिटी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल सीड्स एक्सेट्रा इन साउथ इंडिया और उन लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं बेल पेपर और ग्रीन हाउस और नेट हाउस के लिए और उन लोग एंड टू एंड इकोनॉमिक्स सपोर्ट टू द फार्मर करते हैं एंड वो ये लाइन में सिंस लास्ट 20 ईयर्स से हैं और उनके साथ में 75 एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ है और दे आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन देयर मोटो मल्टीप्लाइंग यील्ड्स एंड सुमुखा जी सुमुखा फार्म हमारे साथ में करीब 5 साल से जुड़े हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डील विद सरवना कुमार जी और मैं जानना चाहूंगी वो क्या हमारे बारे में सोचते हैं। सर आपको वॉइस आ रहा है? यस सर। कैन यू हियर मी? यस सर वी कैन हियर यू। So if you can just share your little bit experience about Alpha. Hi everyone, good evening one and all. Thanks for this beautiful and very informative webinar organized by Alpha Plastromers. And thanks for all Alpha team once again for this productive webinar during this COVID session. Thank you very much, sir. Yeah, we've been working with Alpha Plastromers for the past 5 years in different products. But frankly, I mean, I would like to say that I really didn't know that you have such wide range of products. seriously, I mean, it's very good to know that. I mean, this is very useful webinar. Correct. Thank you. Because I mean, regarding actually the new product which we were seriously planning to introduce after this lockdown is this Fawnliner. Okay. Correct. Right. So I mean, Pondliners. I mean, so it's very easy for me. So always like I mean, known devil is better than unknown God. Okay. Right. So when you have Pondliners, we would always like to prefer buying from you because like we are already using your mulch psyllium. We are also using your crop covers. Everything. So we will add to our list pond liners and even other products also. I mean, it's a very good that we came to know that you have such a wide range of products all under one roof. Correct. Thank you very much for your feedback. Whereas quality is concerned, Alpha Plastromers, so far touch wood, we have never had any complaints. I mean. And wish this will continue even in future also. Absolutely, sir. Our pleasure. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your time. Thank you. Thank you. So, like next, I will like to invite. I will like to introduce Lokesh Agarwal. Jo Lokesh bhai hai. He is from Swami Samarth Agro Biotech, Pune. He is one of the like major stakeholders, Alpha ka, main distributor of the Maharashtra region. Aur wo ek aise distributor hai. He is very young and dynamic. Aur unhone single-handedly bahut ek bada business setup kiya hai. वो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने किसान भाइयों को। उनका एक 500 फार्मर्स का एक बहुत बड़ा फार्म का नेटवर्क है जहाँ पे वो उनको क्या उगाना है, कितना उगाना है से लेके पूरा मार्केट एस्टाब्लिश तक, पूरा मंडी तक उनको सेल करवा के देते हैं। पूरा वीकली बाजार सेटअप करने में उनको हेल्प करते हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लोकेश भाई, इफ you are online, so if you can come and like say some few words. Just a second, Lokesh bhai. I think so he was online, some misconnection is something has happened, I think so. उनके साथ
Just a minute, I am trying to connect Lokeshji. I think so, there is some issue unke connection mein. कोई नहीं, आई विल लाइक टू इनवाइट इन द मेन टाइम जो हमारे एक और बहुत जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, हमारे साथ एक और नरेंद्र जी हमारे साथ हैं जो कि वेंकटेश कृषि सेवा केंद्र से हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है पूरे महाराष्ट्र रीजन में, ईस्ट महाराष्ट्र में. ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ वाटरमेलन. वो लास्ट 35 ईयर से जो वाटरमेलन का प्लांटेशन कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो चीजें हैं वो सेल कर रहे हैं. सो लाइक आई वुड लाइक टू वेलकम नरेंद्र जी. आई थिंक सो इन द मीन टाइम लोकेश भाई इज आल्सो कनेक्टेड, सो जस्ट अ सेकंड. लोकेश जी आप कनेक्ट हैं? नमस्ते सर, आप सर ऑनलाइन है? आपका सर शायद थोड़ा लाइन डिस्टर्ब आ रहा है. हेलो, हाँ जी सर, अभी सुन रहा है. हाँ सर, बरसात के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. करेक्ट करेक्ट, हाँ जी, तो आपको सब सर सुन पा रहे हैं, तो आप अगर कुछ आपका फीडबैक अल्फा के रिगार्डिंग अगर कुछ शेयर कर पाएंगे तो करना चाहेंगे तो. हाँ सर, हाँ नमस्ते. पहले तो अल्फा से हम नियर अबाउट 2 साल से काम कर रहे हैं. मिस हम खुद ही जो अपना फार्म है वहाँ पे भी यूज करते हैं मल्चिंग. तो शेखर जी ने 2 साल पहले हमें मल्च फिल्म दिया था, तो उसका पहले एक्सपीरियंस लिया हमने 1 साल तक के. उसके बाद रिजल्ट देख के हमने अल्फा को ज्वाइन किया एज ए डीलर. तो उसके बाद जो भी हमारे नीचे जाता है फार्मर्स को या फिर डीलर्स लोगों को, तो उनका जो भी रिव्यू था हमारे लिए वो एकदम बेस्ट आता गया, और जो हमारा ग्रो है अल्फा के साथ वो बढ़ते गया. तो अभी हमें ये खुशी भी कि अल्फा सिर्फ मल्चिंग में नहीं, क्रॉप कवर में भी, स्टिकी ट्रैप में, पॉन्ड लाइनर्स में, इसमें काम करेगा. तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अल्फा प्रोवाइड कर सकता है वो अदर कंपनीज के कंपेयर से बहुत ही अच्छा रहता है. जैसे भी फार्मर्स का, डीलर्स का फीडबैक आता है हमें, तो सब लोगों से मेरा यही गुंजाइश है कि पहले आप अल्फा का मल्चिंग खुद यूज करके देखिए, या फिर जो भी अपना किसान है, जो भी आपका अच्छा किसान है उन्हें यूज करने लगा है, उसके बाद ही आप अल्फा के साथ ज्वाइन होइए. आपको सब रिव्यू अच्छा ही आएगा किसान का. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम और आप लोग अल्फा के लिए बोलने के लिए. थैंक यू सर. आई थिंक सो इफ अगर शेल बी मीन्स कॉल सम मोर कस्टमर्स और प्रॉब्लम आ रहा है सर बरसात के कारण. सो और कस्टमर्स को इनवाइट करें. आई थिंक सो रितेश जी मीन्स वी शेल टेक सम क्वेश्चंस और जस्ट सेकंड. या या we can take up the questions. Can I go ahead? Yeah, please. Banana mein mulching sources ho sakta hai? That's a question which has been raised by Prince P. Patel. Correct. हाँ जी, बनाना में जी हो सकता है. जैसा मैं बताया ना, जो 1 ईयर का जो क्रॉप रहता है जिसके अंदर 30 माइक्रोन से 50 माइक्रोन जो किया जाता है, तो 30 माइक्रोन टू 50 माइक्रोन को जो फिल्म है वो बनाना में बहुत अच्छी तरीके से यूज हो सकता है. वैसा तो उसका जो हमने जो फील्ड पे इंस्टॉलेशन भी किया है, तो प्रिंस जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ उनका डिटेल दे पाए सो वी कैन शेयर ऑल द जो हमारा एनालिसिस है और हमारी टीम उनको अप्रोच करके उनको गाइड कर पाए कि क्या तरीके से यूज किया जा सकता है बेस्ट वे से. ओके
रितेश जी, मैं एक बार चाहूंगा अपने कुछ एक दो जो कस्टमर्स वो और ज्वाइन हो गए हैं, सो वी विल जस्ट कॉल आवर फ्यू गेस्ट, वन और टू मोर गेस्ट, एंड देन वी विल अगेन कम बैक टू आवर क्वेश्चन एंड आंसर. फेयर इनफ, फेयर इनफ. So next I will like to invite Narendra ji from Venkatesh Krishi Kendra. I think so unka basic introduction I have already given. He is from Maharashtra, East Maharashtra. He is into this domain since past 35 years. In the entire East Maharashtra, he is called like in the Yavatmal district, he is called the king of watermelon. Unka khud ka bhi bahut sara unka watermelon ka plantation hai. So like he is associated with us since last 2 years. So I will like to invite Narendra ji Alpha ke bare mein kuch aapka experience share karne ke liye. Narendra ji, aap sun pa rahe hain? हाँ जी, आपका फोटो दिख रहा है, आप बोल सकते हैं. अगर वीडियो नहीं आएगा तो भी चलेगा, आप खाली बोल सकते हैं, क्योंकि शायद थोड़ा इंटरनेट इश्यू के वजह से वीडियो इतना क्लियरली नहीं दिख पा रहा है. हेलो नरेंद्र जी ज्वाइन होते हैं, इतने में एक और अपने जयेश जी को इनवाइट करना चाहूंगा. जयेश जी हमारा पूरा जो नॉर्थ गुजरात रीजन है वहां पे बहुत अच्छा उनका होल्ड है. जो जयेश जी है उनका फर्म का नाम है विश्वनाथ ट्रेडर्स. सो बहुत साल से ये अलग अलग टाइप के सीड्स फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करके फार्मर्स को बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं. हम लास्ट 2.5 साल से जयेश जी के साथ जुड़े हुए हैं. सो मैं इनवाइट करूंगा जयेश जी को, अगर वो फोरम पे आके अपना अल्फा के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करें. जयेश जी, वॉइस आ रहा है आपको? आपका अनम्यूट हो गया है तो आप बोल सकते हैं अभी. हेलो. हाँ जी, आपका वॉइस आ रहा है सर, आप बोल सकते हैं. आ रहा है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, एकदम क्लियर आ रहा है. हाँ सर, मैं बोलूंगा थैंक यू, बोलूंगा अल्फा की टीम को, पूरी टीम को, कि ये पूरा एक फिलहाल इसकी इस परिस्थिति में मान ले कोरोना की जो पूरा लॉकडाउन है पूरा इंडिया, ठीक है, ये वेबिनार हमारे लिए भी अच्छा है, यानी कुछ जानकारी ज्यादा और मिल सके. और मैं ये पूरा मैं बोल सकता हूँ, तो मेरे लिए मैं बोल सकता हूँ कि पूरा मैं 2.5 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन पहले ये मेरे को जुड़ने के बाद अच्छा लगा शुरू में कि भाई कैसा होगा क्या नहीं है, लेकिन नीचे फार्मर का रिव्यू इतना बहुत बढ़िया आया कि आप यकीन नहीं मानोगे. कुछ ऐसे फार्मर भी मेरे को मिले कि वो बोल रहे थे कि आज तक है ना हमने जो भी मल्च यूज कर रहे थे इतना, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ऐसा मल्च यूज किया है कि अभी तक जितने साल से 10 साल से हम यूज कर रहे थे मल्चिंग, वो लोग बोल रहे थे फार्मर कि ऐसा पहली बार मल्चिंग हमने यूज किया है कि जो उसका क्वालिटी सब अच्छा है, यानी कि दूसरी कंपनी से बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट 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 है. और उसके साथ में दूसरा मैं बोल दूं कि मैं पूरे इस इंडस्ट्री में पूरे 18 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, ठीक है, और मेरा ज्यादातर मेनली फोकस है सीड्स पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है, और मेरा ज्यादातर होलसेल है, और वाटरमेलन का ज्यादा फोकस, वाटरमेलन का पेड़ है मेरे पास, पूरे गुजरात का काम है. और इस साल मैंने पूरे गुजरात के अंदर मैंने 200 किलो वाटरमेलन बेचा है. उसमें जहां भी मैं सब जगह गया पूरे गुजरात के अंदर, वहां मैं अल्फा का ही प्रमोट कर रहा, मल्चिंग के लिए प्रमोट कर रहा था. अब ये अल्फा का मटेरियल जहां भी कोई भी डीलर नहीं बने हो तो मेरे को बोलना, मैं कंपनी में बात कर लूंगा. आप पहले उसका आप देख लो, एक दो बार कुछ मटेरियल मंगवा के देख लो ट्रायल पे, फिर फार्मर को आप जहाँ खुद जाके फार्मर आपको बोलेगा सामने को, नहीं अभी आप मटेरियल लेना तो अल्फा ही का लेना. यानी कि हम अल्फा के साथ जुड़े हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है कि बहुत बढ़िया है, और फार्मर के लिए भी अच्छा है.
करेक्ट है। और हमने नेक्स्ट ईयर का हमने ऐसा प्लानिंग करके सोचा है कि हम फार्मर को, जैसे कि आपने वेबिनार में दिखाया है कि भैया हम वो बोले तो जो है प्री होल वाले, करेक्ट है, हाँ प्री होल वाले हम प्लानिंग कर रहे हैं फार्मर को समझा के कनेक्ट करके। हाँ, हमारा यहाँ फार्मर जो मैन्युअली होल करते, लेकिन हमने इस बार प्लानिंग किया है, सब फार्मर को भी बोला है कि भैया जो रेंडर जो कंटिन्यू कंपनी में से आता है प्री होल वाला, वही मटेरियल यूज करो आप तो बढ़िया है आपके लिए भी। हेलो हेलो, करेक्ट है, सही है सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर फीडबैक। थैंक यू। सो I would like to just call, I think so, our means last one of the customer, if he can share just a quick feedback. So Ravi ji, Ravi Bhutada, if you can join us. So like Ravi ji, he is having a strong background in plastic culture. और उसके बाद लास्ट कई साल से नासिक के अंदर वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो उनका बहुत सारा एक अच्छा फार्मर का कनेक्ट है, वैसा हम लोग उनके साथ लास्ट 3 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। सो रवि जी, अगर आप कुछ अल्फा के बारे में आपके व्यूज आपके फीडबैक अगर शेयर कर पाए तो। रवि जी, यू आर एबल टू हियर अस? थैंक यू एच जी, आवाज आ रही है? थैंक यू। हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है आपकी वॉइस। एक्चुअली मैं ये सब मल्च और ये करीबन 7 साल से कर रहा हूँ, बीइंग ए बैकग्राउंड ऑफ प्लास्टिक फ्लिप्स और सब बनाते समय कैसा बनाने का क्या होना का, वो तो टेक्नोलॉजी पार्ट मेरे साथ में था ही था। बट अच्छा क्या पार्ट हुआ ना, 3 साल से जब से अल्फा के साथ में जुड़ गया तो हैंड इन हैंड एक्टिविटी जो है वो काफी अच्छे ढंग से जा रहा है। और मेरा जो मेजर फोकस एरिया था वो फार्मर के साथ में डायरेक्ट काम करने का, उसको मैं 7 महीने भी था, अभी स्टिकअप हूँ। तो ये जो हमारा वेंचर है अल्फा के साथ में, तो एक काफी अच्छे ढंग आ गया है, ईयर एंड ईयर कुछ ना कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं। आई थिंक सो उनका वॉइस में थोड़ा इशू आ रहा है, वो डिसकनेक्ट हो गए हैं रवि जी। सो रितेश जी, आई थिंक सो, हाँ रवि जी, कुछ शायद इशू आ रहा है नेटवर्क में, सो नो इश्यूज रितेश जी, आई थिंक सो क्विकली वी कैन लाइक टेक द क्वेश्चंस जो अपने हैं। या सो देयर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट। Yeah, I hope the introduction of all the customers has been completed. Okay. Correct. So there was another question which is relating to banana only. They are saying कि banana में कौन सा mulching use करना चाहिए, silver black और या white black? Silver black, like white black अगर बहुत ज्यादा summers है वहाँ पे ज्यादा preferable है। जैसे जो हमने अभी तक जो भी दिया है, जो provide किया है, वो silver black में किया है और silver black में बहुत अच्छे results है। So white black इतना जरूरत नहीं पड़ा है। So means maybe we can try in white black also, but as in white black जो है वो इतना बनाना के लिए advisable नहीं है, silver black is good enough. Okay, so I hope that has answered your questions. लहसुन और प्याज में mulching का उपयोग के बारे में detail में बताने के लिए उन्होंने एक vendor बोला है हमारे panelist में, नीलेश जी करके हैं वो। करेक्ट। तो जी जैसा मैं अगर ये किया है ना, जो कैसे टाइप का मल्च यूज करना चाहिए वो मैंने बताया है। जो ओवरऑल जो बेनिफिट है वो बेनिफिट फाइनली यही है कि यील्ड ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिल सकता है। जो इनिशियल स्टेज ऑफ जो ग्रोथ है उसके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिशियल है।
फायदा जो अपने अदर क्रॉप्स में है, जो वाटरमेलन में, जो टोमेटोज में है, वही बेनिफिट अपन को ऑनियन एंड उसके अंदर मिलता है। तो फिर से मेरा वही कहना होगा कि अगर और डिटेल में, जैसा मैं देख रहा हूँ कि आपने नंबर शायद शेयर भी किया है, तो और डिटेल के लिए मैं भी एक बार हमारा टीम उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आके थोड़ा उनके फार्म पे या उनके अगर फार्मर्स के यहाँ पे सैंपलिंग करके एक बार और बता सकते हैं हम कि क्या है, उनको डायरेक्ट वन ऑन वन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेश जी का था, उनका ये पूछना था कि हम लोग क्या वाइल्ड मल्च यूज कर सकते हैं समर सीजन में टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर टमेटो? या एग्जैक्टली, टमेटो जो है वो जो है टमेटो डेट इज यूज्ड फॉर मींस इन समर सीजन, जो टमेटो है वो सभी क्रॉप के लिए यूज हो सकता है। सो समर सीजन में कोई भी क्रॉप हो उसके लिए जो व्हाइट ब्लैक फिल्म है डेट विल बी द बेस्ट फिल्म मेनली इन दिस अप्रैल मई पीरियड। सो लाइक डेट विल बी द बेस्ट फिल्म इन समर्स। आई नो ऑब्वियसली इन टोमेटो ऑल्सो बहुत अच्छा रिजल्ट है टोमेटो के अंदर भी। सो आई होप लोकेश जी दैट हैज आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज कम अप दैट दे वांटेड टू नो कि व्हाट विल बी द माइक्रोन फॉर फ्रूट कवर। फ्रूट कवर जो है डेट कम्स इन लाइक डिफरेंट माइक्रॉन्स, डिफरेंट माइक्रॉन्स, नॉट इन माइक्रॉन्स और इन जीएसएम, लाइक वी आर हैविंग मेनली थ्री जीएसएम इन फ्रूट कवर, 17, 20 एंड 23। सो मोस्टली अगर एक सीजन के लिए यूज करना है फॉर थ्री मंथ्स, लाइक फॉर वाटरमेलन, मस्कमेलन, इसके लिए यूज करना है सो 17 जीएसएम इज इनफ। अगर चिलीज और ऐसे क्रॉप के लिए यूज करना है सो 20 जीएसएम इज रिकमेंडेड। तो जनरली 17, 20, 23 बेस्ड ऑन कितने टाइम के लिए हमको यूज करना है। ओके, रिलेटिंग टू दैट वेदर दिस इज रीयूजेबल, दे जस्ट वांटेड टू नो ऑन दैट आल्सो। या क्रॉप कवर इज 100% रीयूजेबल, क्योंकि क्रॉप कवर जो है वो खाली 25 टू 30 डेज जो इनिशियल सीडलिंग का जो क्रॉप का पीरियड होता है तब उसको यूज किया जाता है। तो 25 दिन तक यूज करने के बाद उसको फिर से रोल बैक किया जा सकता है और अगेन नेक्स्ट सीजन में यूज किया जाता है, बिकॉज द क्रॉप कवर दैट ग्रो इट इज प्रोवाइडिंग दैट इज 100% प्रॉपरली यूवी स्टेबिलाईज्ड, सो इट इज हैविंग अ वेरी गुड लॉन्गर lifespan, so it can be easily used in minimum 2 to 3 seasons. Okay, so I think so Ritesh ji, for 5 minutes the panelist, as per the panelist like discussion will be continued with more other questions. So other questions, then what we can do, we can reply them to the specific emails. There are only a couple of questions more. Correct. So if like we can go with 2 to 3 more questions, whether agri-wise can be used for tomato plants? Yeah. For tomatoes, it is one of the best product. Like tomatoes के अंदर तो जितना उसका benefit हो सकता है वो मतलब top 5 crops में आता है tomatoes. Tomatoes, grapes, cucumber, all this kind of crops. Agri-wire, you can say, is the must. अगर वो agri-wire नहीं use करेंगे तो उनको steel wire तो करना ही पड़ेगा. So best replacement of steel wire is agri wire that can be used in tomatoes. Okay. The another thing ki hamare jo products hai, agar unko fancy ya laundry mein lagana hai to unko 7 foot tak mil sakta hai size, matlab unka basically tha 7 feet size tak ka mil sakta hai. फेंसिंग के लिए जितने भी अपने प्रोडक्ट्स है उसमें से दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर फेंसिंग एप्लीकेशन यूज किया जा सकता है। एक अगर कॉर्डिंग करना है तो उसके लिए एग्री वायर, सो लाइक एग्री वायर तो एक थिन वायर है जो फेंसिंग में वो मल्टीपल वायर्स की तरह उसको यूज किया जा सकता है। और उसके अलावा जो शेड नेट है वो भी बहुत बार एज फेंसिंग की तरह यूज किया जाता है। तो जो शेड नेट है वो अप टू 6 मीटर तक का आता है, सो लाइक वो 7 फीट में यूज किया जा सकता है। सो अगर स्पेसिफिक वो वी कैन डिस्कस विद देम कि उनको कौन से वाले प्रोडक्ट में कैसे टाइप का फेंसिंग करना है, सो अकॉर्डिंगली वी कैन लाइक रिकमेंड द बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन कमिंग कि वेदर 20 माइक्रोन मल्च इज हार्मफुल टू द सॉइल और नॉट। नो मल्च इज हार्मफुल टू द सॉइल, गिवन कि वो जो मल्च है वो मल्च after the season end, first of all we shall keep in mind ke 20 micron of the mulch hai wo ek hi season ke liye use karna hai, ek season ke baad wo mulch ko nikal dena hai. Ye apan kisan bhaiyon ko ensure karna padega
के जो मल्च जितने सीजन के लिए लिया गया है, जब उसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो मल्च को प्रॉपरली निकाल दिया जाए। जब वो प्रॉपरली मल्च निकल जाएगा तो उसके कोई भी पार्टिकल सॉइल में नहीं मिलना चाहिए। सो दिस इज द मेन यूएसपी ऑफ ग्रो इट मल्च फिल्म, जहाँ पे वी एश्योर द फार्मर्स के आप हमारा मल्च यूज करेंगे तो सीजन खत्म होने के बाद पूरा का पूरा मल्च आपके हाथ में आएगा और आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइंड कर सकते हैं और आप उसको स्क्रैप में भी बेच सकते हैं। तो आफ्टर सीजन एंड्स जो ग्रोइट का मल्च है उसमें इतना स्ट्रेंथ रहता है कि वो इस तरीके से उसको अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द मेन यूएसपी ऑफ ग्रोइट मल्च। सो अगर आप ग्रोइट का 21 माइक्रोन का मल्च यूज करेंगे तो भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, आफ्टर वन सीजन आप उसको केयरफुली निकाल सकते हैं। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, कॉटन कपास में मतलब दे हैव रिटन कि कपास में कौन सा माइक्रोन यूज किया जाता है, दे वांटेड टू नो 25 माइक्रोन्स इज द मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन प्लांटेशन बिकॉज़ उसका जो ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा होता है। सो 20 हमने जितना भी अभी तक प्रोवाइड किया है वो हमने 20 25 30 तीनों में ट्राई किया है, पर 25 30 तक जाने की जरूरत नहीं है, 20 थोड़ा कम पड़ता है, 25 इज द मोस्ट सूटेबल। There was a common question by many of the people. They are saying, what are the specifications for the pond liners? Correct. So like pond liners, it generally comes, अगर एक broad level पे specification का बात करें, तो वो pond liner main microns के अंदर होता है, 300 microns and 500 microns. So pond liner जो with ISI marking है, that comes in 500 microns. So this is the thickness. जो विड्थ है, जो लेंथ है, दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉन्ड। सो आवर टीम, हम लोग एनालाइज करेंगे कि आपको कितने एरिया में पॉन्ड बनाना है और वो हिसाब से पूरा एक प्लान बना के देंगे कि आपको कितना टोटल पॉन्ड लाइनर लगेगा। बट जो थिकनेस है दैट कम्स इन 300 एंड 500 माइक्रोन्स, जिसको अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए करना है, 5 to 6 ईयर्स के लिए, उसके लिए 500 माइक्रोन इज द मोस्ट सूटेबल माइक्रोन। And one more question relating to pond liner, whether pond liner is a blown film or laminated fabric? No, it is the like blown and laminated, ye do aise different nahi hua. So like pond liner jo hai, that is the laminated geomembrane fabric. So ye ek HDPE material se banta hai. Waisa? Fair enough. I think so we have covered. One more question. What are the dimensions for the shed nets? शेड नेट एज इन जैसा मैं बताया जो डायमेंशंस है, लाइक विड्थ ऑफ द शेड नेट इट कम्स फ्रॉम 1 meter to up to 6 meter, लेंथ ऑफ द रोल इज स्टैंडर्ड 50 meters and 100 meters, एंड द मेन पॉइंट इन शेड नेट इज द शेड फैक्टर। सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन वी रिकमेंड द शेड फैक्टर। So like shade factor, it comes mainly in 3 types of shade factor, 50%, 75% and 90%. So like these are the basic dimensions. So other than this, on the dimension, the specification, if anyone of us, if they have any queries, then like we can approach them or team can approach them and they can like guide them in a better way. Next, adrak mein mulching ka upyog ho sakta hai? Kitne micron ki mulching ka upyog karna chahiye adrak ke liye, ginger? जिंजर के लिए एज इन लाइक वी हैव नॉट ट्राइड डेट मच, सो लाइक मे बी वी कैन जॉइंटली डू सम डेमो थिंग एंड लाइक वी कैन कम अप विद के कैसा उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है। ओके, सो यश, आई थिंक सो वी हैव कवर अप मोस्ट ऑफ द थिंग। द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग अप इज, इन पोटैटो फार्मिंग मल्चिंग फिल्म इज यूजफुल? Yeah, yeah. In potato also, like mulching is very much useful. We have not supplied much for the potato, but we have closely worked with the in the R&D of mulch in potato. So, जो white color का जो mulch film है, वो potato के अंदर बहुत अच्छा result दे सकता है. So, मैं request करूँगा कि जो इसको भी potato का करना है, so they can like try or grow it white black mulch film. I am just seeing 2 more questions, I think so, yes, in the panel. Yeah, sure. Yeah, just one more. There was one question that said they require a specification of pond lining, which they can use for the lay flat tubes for in drip irrigation.
So any specific specification that we can give it to them? Yeah, leaflet tube jo hai, wo in general agar apan baat kare, so it comes in different mm. The tube diameter comes from 50 mm to 90 mm. So based on the application, agar wo khali pani leke jane ke liye use karna hai, या उसको एक मेन लेटरल पाइप के यूज करना है फॉर ड्रिप इरिगेशन, सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन जो फार्मर्स है वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं इन बिटवीन 50 टू 90 एमएम डायमीटर. वैसा सो मेन इज द डायमीटर ऑफ दैट लीफलेट ट्यूब. वैसा सो अगेन लाइक कमिंग बैक टू द स्पेसिफिकेशन, आवर टीम कैन अंडरस्टैंड देयर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एंड दे कैन गाइड द बेस्ट प्रोडक्ट इन द लीफलेट ट्यूब. Okay, now there's a one Mr. Anil has requested ki when we're going to have a next session on the same mulch. So they have, that was the last question which was there in my questionnaire and answer book. Correct. So like definitely we will keep all our like attendees posted like when we'll be having the next session and like we'll coming up with something like that will be like more beneficial to majority of the our attendees. So like we'll plan and we'll definitely update accordingly. And a few of the people have also asked, shared their contact number and they wanted to get in touch with them to help their specific questions. So they have just posted and given their contact number also. Correct. And correct. I think so in the chat box, they have also mentioned if this PPT can be shared to them. So that was also posted by the... So we will be uploading this PPT and this webinar within 2 days on our YouTube channel. So like we'll be sharing the link of our YouTube channel with all our attendees. So like they can have a look from there. Okay. Fair enough. Yashit, there was one last question which I can see right now in the chat box. Do you give point liners in the roll form? Yeah, pond liners will be coming in roll form only, but the width of the roll form will be depending on the size of the pond that we'll be making. So like we can supply in different kinds of width. So it will be in roll form only. Okay, Yashish, that's much what we have. If anything comes up, I will keep you posted. Yes, sure. Display the contact details on screen, please. Yeah, I will just putting that thing once again. On the screen, Yashi, if you can just put it on. Yeah, just a second. I've already put on the chat box right now. Yashi, there's one last question which has come up. If you can just... Please. Kindly send your details regarding AgriWire, ShedNet and mulch with which will be useful for onions. So they are asking us to share our details so we can send them across over the email, something like that. Sure. Correct. Definitely. So they have given their email, no? Yes. I will ask them to post it right now. Correct. So like for any of the queries, you can like reach out to this number. This is like my number and my email ID. So like kahan se bhi jo query aata hai, so accordingly means I can redirect to our respective state team. Aap ye number note kar sakte hain aur ye email ID pe jo bhi aapka query hai, aap directly pooch sakte hain. So accordingly जो भी हमारी टीम है, रिस्पेक्टिव स्टेट टीम है, उनको फॉरवर्ड मैं क्वेरी कर दूंगा, सो दे विल गेट इन टच विद यू और वो आपको बेस्ट सपोर्ट करेंगे. आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. सो मीन्स इफ आई कैन जस्ट इनवाइट अक्षय भाई फॉर द थैंक यू नोट. सो इफ अक्षय भाई इफ यू कैन जस्ट have a few words. Hello, namaste. जाशा है कि आप लोगों को ये session अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये informative रहा होगा. आप में से काफी लोग हमारा product use कर रहे हैं. आपने बहुत अच्छा बोला. Thank you so much.
ये यश और रेस्ट ऑफ द अल्फा टीम के लिए एक अचीवमेंट है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके आपने हमारे लिए इतना अच्छा बोला. सो थैंक यू. और आशा है कि ये इसके बाद आपको पता चला है कि हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं और आगे क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. स्टार्टिंग में यश ने बताया कि हमारा विजन मिशन क्या है. सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें फार्मर की इनकम डबल करनी है और हेल्दी लिविंग को प्रमोट करना है. हेल्दी लिविंग मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग ही नहीं, बल्कि ये कोविड से हमें पता लगता है कि हर एक जन को कैसे फार्मर बनना है. तो हमारा एम ये है कि सब जन कुछ ना कुछ अपना उगाना सीखे और प्लास्टिक कल्चर यूज करे ना करे पर फार्मर जरूर बने, क्योंकि कोविड ने ये चीज की आँख खोल दी है कि हमें आगे चल के खुद का उगा के खुद को खाना पड़ेगा. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप और आपके परिवार ध्यान रखिएगा. होपफुली हमारे लिए ये अब ख़त्म होने वाला है, पर अभी आगे और खतरा बढ़ सकता है ख़त्म होने के लिए. तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू. ओके, थैंक यू एवरी वन. सो लाइक वील बी साइनिंग ऑफ. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार. थैंक यू.